नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीकॉम द्वितीय वर्ष परीक्षा में कंपनी लॉ की जगह बांट दिया बिजनेस लॉ का पेपर, परीक्षा हुई रद्द, 29 मई को फिर से होगी परीक्षा। डीडीआई सोसाइटी में लिफ्ट बंद होने से 3 बच्चे हुए बेहोश, गुस्साए सोसाइटी के लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, पुलिस को जंगल में मिली थी लाश। हत्या में सजा काट रहे कैदी की खुली जेल में हुई मौत, जेल प्रशासन ने कहा कैदी ने जहर खाकर की आत्महत्या। और अब खबरें विस्तार से। राजऋषि भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीकॉम सेकंड पार्ट की परीक्षा में गलत पेपर खुल गया। इस कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को फिलहाल परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब 29 मई को फिर से 3 परीक्षा केंद्रों पर पूर्व के निर्धारित समय पर परीक्षा ली जाएगी। गलत पेपर खुलने से अलवर जिले में 2 से 2500 विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। गुरुवार को बीकॉम पार्ट सेकंड का कंपनी लॉ का पेपर होना था। परीक्षा के लिए विद्यार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा के निर्धारित समय पर परीक्षक की ओर से पेपर का लिफाफा खोला गया, लेकिन इसमें कंपनी लॉ के बजाय बिजनेस लॉ का पेपर निकला। गलत पेपर देख विद्यार्थी एवं परीक्षक सकते में आ गए। आनन फानन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कंपनी लॉ की परीक्षा रद्द करने का निर्णय किया। परीक्षा नियंत्रक लखन सिंह यादव ने बताया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कंपनी लॉ की जगह बिजनेस लॉ का पेपर प्रिंट होकर विद्यार्थियों तक पहुंच गया। जब गलत पेपर पहुंचने का पता चला तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है, एक पेपर होना था बीकॉम पार्ट सेकंड का कंपनी लॉ, लेकिन उसकी जगह पेपर एग्जामिनर ने बिजनेस लॉ का पेपर बनाकर दिया, जिसको कि आगे जाकर वापस वही प्रिंट हुआ और बच्चों के पास वो पहुंच गया, जिसको कि अभी रद्द कर दिया गया है और उसकी परीक्षा दोबारा 29 मई को निर्धारित की गई। इन्वेस्टिगेशन अभी जांच कमेटी बना दी गई है माननीय कुलपति महोदय द्वारा, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। करीबन 2 से 2500 29 मई को दोबारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सेम सेंटर्स पर सेम टाइम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशन में तालुका विधिक सेवा समिति मालाखेड़ा की ओर से अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मालाखेड़ा के जज आरुषि त्रिपाठी के निर्देशन में पीएलवी चंद्रपाल गुर्जर ने बताया कि बीजवाड़ में बाल विवाह नालसा योजना का उद्देश्य समस्त आयु समूह की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अवैध व्यापार के पीड़ितों एवं प्रत्येक स्तर पर अर्थात रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास के संबंध का समाधान करने हेतु विधिक सहायता प्रदान करना है। योजना का मुख्य विषय इन पिछड़े समूहों हेतु आर्थिक एवं सामाजिक मार्ग प्रदान करना है, ताकि वे सामाजिक रूप से जुड़ जाएं एवं इस प्रकार उन्हें वे समस्त सामाजिक संरक्षण प्राप्त हो जो एक साधारण नागरिक को उपलब्ध है। विधिक सेवा प्राधिकरण का हस्तक्षेप पीड़ितों की मर्यादा का संरक्षण सुनिश्चित करना होना चाहिए, जो उनका उतना ही जीवन का मूल अधिकार है जितना किसी अन्य नागरिक के जीवन का। आदिवासी जनजाति का योजना का आदिवासी का संरक्षण और प्रवर्तन अधिकार के बारे में बताया कि उनका लक्ष्य भारत में जनजातियों तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना है। न्याय तक पहुंच की अपने तमाम अर्थों में अर्थात अधिकारों तक पहुंच, लाभ, विधिक सहायता, अन्य विधिक सेवाएं आदि को सुगम बनाता है, ताकि संविधान के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करने के वचन का देश में जनजातियों द्वारा भी अर्थपूर्ण रूप से अनुभव कर सके। बच्चों के संरक्षण और उनको बाल मैत्रीपूर्वक रहकर कानूनी जानकारी उपलब्ध करवाना उनका मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस मौके पर सरपंच हेमलता बैरवा, नेहरू युवा केंद्र अलवर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक हरिओम गुर्जर, समाज सेवी शोभाराम बैरवा, भगवान चौधरी, राजेंद्र यादव विकास अधिकारी, घासीराम हरदयार, कल्लो रेवारी, हरिराम छाबड़ी, पवन खटाना, बिलंदी कमल, बागड़ी जगराम, घांगल धर्मराज खटाना, करण दत्ता आदि मौजूद रहे। डीएसटी भिवाड़ी ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसटी भिवाड़ी प्रभारी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने थाना भिवाड़ी फेस 3 के मुकदमे में फरार बिंटू उर्फ गुरमीत पुत्र हजारी सिंह, रायसिक निवासी फूटाखोरी, जिला डीग को दस्तयाब किया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर कार्यालय में नगर निगम अलवर के जमादारों और सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश चंद बैरवा ने वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व हो रही मौसमी बीमारियों, विशेषतः मच्छर जनित डेंगू चिकनगुनिया एवं मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नगर निगम अलवर में कार्यरत जमादारों एवं सफाई कार्मिकों को एंटी लार्वा एक्टिविजेट का प्रभावी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दौरान अशोक कुमार लखेरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मण मीना आदि मौजूद रहे। जयपुर में होने वाली जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए आज अलवर टीम रवाना हो गई। सचिव देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लखन सिंह राठौर, संभव सिंह चौहान, अंश रेहान, तनिष्क उपाध्याय, उदित कोहली, यश शर्मा, सहमीर खान, शशांक आर्यन, आदित्य शर्मा, गगनदीप सिंह व विभिन्न भार वर्गों में अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि टीम अलवर से चैंपियनशिप में अच्छे परिणाम की उम्मीद है। इस चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर के आरजे सुनील सैनी निर्णायक मंडल में रहेंगे। बॉक्सिंग कोच संजीव शर्मा मनीष सैनी, हुकुम सिंह, अजीत यादव, दीपक प्रजापत, भूपेंद्र सिंह राठौड़, विकास यादव, दीपक गर्ग, विनीत जुनेजा, महावीर राजौरिया आदि ने अलवर टीम को शुभकामनाएं दी। भिवाड़ी कस्बे के अलवर बाईपास स्थित बीडीआई सोसाइटी में लिफ्ट में तीन बच्चों के फंसने से हड़कंप मच गया। बीडीआई सोसाइटी निवासी ममता यादव ने भिवाड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गत मंगलवार की शाम 6 बजे उसका 9 वर्षीय पुत्र कार्तिक एमएसएस टावर से ट्यूशन पढ़कर अपने दोस्त उत्कर्ष व गणेश्वर के साथ फ्लैट में आ रहा था, लेकिन तीनों लिफ्ट में फंस गए और 20-25 मिनट तक बंद रहे। इसके बाद बच्चे बेहोश हो गए। चौथे फ्लोर पर किसी महिला ने ध्यान दिया और गार्ड को सूचित किया तो काफी देर के बाद बच्चों को बाहर निकाला गया। करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहने से दो बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिससे उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना को लेकर सोसाइटी के लोगों ने आक्रोशित होकर हंगामा किया। इस मामले को लेकर बुधवार को सोसाइटी के लोग बीड़ा ऑफिस पहुंचे और बीड़ा सीईओ सलोनी खेमका से मिलकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत की। साथ ही बीड़ा कार्यालय में करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन करते हुए बिल्डर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और सोसाइटी के मेंटेनेंस को आरडब्ल्यूए और हैंडओवर करने की मांग की। भिवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में ममता यादव ने बताया कि घटना के दौरान मेंटेनेंस का कोई स्टाफ नहीं था। घटना के बाद वह लोग पुनः शिकायत लेकर मेंटेनेंस ऑफिस में गए तो वहां पर मौजूद उमेश, बिजेंद्र, सुजीत, शिव, अभिषेक ने उन लोगों को ऑफिस में बंद कर दिया और उनके साथ बदसलूकी व मारपीट की। इस दौरान मेरी टी शर्ट को खींचकर फाड़ दिया और मेरे कंधे पर घूंसा मारा। अब हमें और परिवारों को धमकी दे रहे हैं कि हमें उठवा देंगे और जान से मार देंगे। परिवादी ममता यादव ने नामजद आरोपियों व मेंटेनेंस कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। विद ऑफिस इसलिए आई है, हमारी सोसाइटी में आरडब्ल्यूएस फॉर्मेशन हो चुकी है पिछले 10 सालों से, लेकिन हमें हैंडओवर नहीं दिया जा रहा। जबकि नोटिस में है कि हैंडओवर बीडीआई मेंटेनेंस दे, लेकिन बिल्डर हैंडओवर नहीं दे रहा। 10 साल से धक्के खा रहे हैं, एक नोटिस आता है 15 दिन बाद, फिर दूसरा नोटिस, तीसरा, ऐसे भटकाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं। डे बाय डे सोसाइटी 40 लाख का फ्लैट 20 लाख में आ गया, डिटेरियरेट होती जा रही है। सेफ्टी के मामले में सिक्योरिटी में जीरो, गार्ड रात को एक या दो होते हैं, लिफ्टों में आए दिन बच्चे फंसते हैं, लिफ्टें एकदम से जर्क से गिरती है, 1% सोल्यूशन है। बिड्डा वालों के पास नहीं है, मेंटेनेंस वाले सुनते नहीं, पुलिस आती है हाथ मिला के चली जाती है, बिड्डा वाले अपने नोटिस को इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों नहीं करवा पा रहे? पहले गार्ड ने पूरा अच्छे से ड्रिंक किया हुआ था, ड्रिंक करके वो नीचे बैठा हुआ था। आप वो देखो यार, ये क्या था, हमारे पास वीडियो भी है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो हमें जो है मेंटेनेंस की सर्विस नहीं लेनी है, बस हमारी लिमिट है। तो आप बीड़ाओं की सभी आए हैं, स्पेक्ट्रम में जो है सोसाइटी के वहाँ बाहर ऐसे लगता है सब्जी मंडी है, वहाँ पे लोग ड्रिंक कर करके बाहर बैठे रहते हैं, आने जाने वाली लड़कियों को कमेंट पास करते हैं और कंप्लेंट करने जाओ मेंटेनेंस में तो कहते हैं ऐसा ही होगा, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, तुम जानो तुम मार्केट के वो, और मेंटेनेंस हम फिर किस चीज का बढ़ते हैं ये चीज हमें बताई जाए। बीड़ा अधिकारी साहब क्या चाहते हैं? बिड्डा अधिकारी से चाहते हैं कि जो भी उन्होंने ऑर्डर दिए हैं उसको इंप्लीमेंटेशन करवाए। कल एक परसों ऑर्डर आया हुआ था, कितने दिन, 8 दिन पहले, रास्ता खुलवाने का, अवैध रास्ता, वो अभी तक नहीं खुला। कल मैडम ने बोला था कि खुल जाएगा, वो हम करवा देंगे, वो हमारे एंड पे। बाकी चीज अपने अपने ऑर्डर तो इंप्लीमेंटेशन करवा दो, अपने ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन। कल स्विमिंग के लिए गए हैं और ये बोला गया है कि हम स्विमिंग जो हम लोग जो हैं उनकी जो ट्यूलिप का जो स्विमिंग पूल है उसको हम यूज कर रहे हैं, बट हमारे से पैसा मांगा जा रहा है, क्यों मांगा जा रहा है, ये सब
झूठी चीजें रिटर्न में क्यों लिख लेंगे, कर देंगे, केस कर देंगे। जी मैडम क्या नाम है? सर मेरा नाम एकता है। आज आप बीडा ऑफिस आए हैं? हाँ जी सर। तो किस लिए आए? सर हम बहुत परेशान हैं, ना तो वो हमारे मेंटेनेंस वाले सुनते हैं और ना ही बीडा ऑफिस वाले सुन रहे हैं। हमें उम्मीद थोड़ी सी इनसे है कि ये थोड़ा बहुत हमारी बात सुन लें, पर ये मैडम तो दरवाजे पर सुनते बैठी हुई हैं। कल मैम ने भी ऑर्डर खाया है, पर ऑर्डर पास किया था सर, वो चीज अभी अभी हम तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो हम ट्रस्ट कहाँ से लेके आएंगे कि ये लोग हमारा कुछ करवा दें। तो अभी मैडम अंदर बैठी हुआ आपसे मिलने के लिए तैयार है या नहीं? सर नहीं है तैयार। क्या बोल रहे हैं? मैम अब तक आई नहीं है, एक एक करके आओ सर, ये सोल्यूशन तो सबको है ना। प्रॉब्लम एक को छोड़िए सर, सबको प्रॉब्लम है। सर हमें तो बस मेंटेनेंस सर ये मैम से यही रिक्वेस्ट है कि हमें हैंड ओवर दिलवा दो बस, जब RWS बन चुकी है सब कुछ, तुम्हारा ऑर्डर पास हो चुका है, सर सब कुछ अटका कहाँ पे पड़ा सामान? हमें RWS चाहिए सर, जहाँ पे भी आते हैं हम कितनी बार आते हैं यहाँ पे, कितनी बार आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमें ये कह दिया जाता है ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ये पेपर नहीं है, सर सब कुछ अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद फिर अगला बोल दिया जाता है कि ये पेपर नहीं है आपके पास। जब ये थोड़ी बात होती है, मेंटेनेंस वाले कुछ कर नहीं सकते तो RWS को दे देना, वो खुद कर लेंगे। और सर करवाओ जाके, वो तो ये कहते हैं ना कि आप ये सर ये बोल देते हैं कि आप लोग जाओ, हमने तो ऑर्डर निकाल दिया है कि मेंटेनेंस हैंड ओवर हो जाएगा, पर करवाओ तो सही जाके, वो देगा तो जब तब ना, तो गुंडागर्दी कर रहा है, वो देता ही नहीं है। हम लोगों ने जाके वो चीज करने की कोशिश करी सर, उसने तब भी वो चीज दो साल RWS पूरे हो जाएंगे सर, इनको हैंड ओवर नहीं दिया गया। मामला ये है सर, मेरा बच्चा 9 साल का है और वो लिफ्ट में 20 मिनट फंसा हुआ, ना तो वहाँ कोई गार्ड आया, बैल बजाई, बच्चे काफी परेशान होके, और बाद में एक साइड वाली कोई भाभी जी आके उस वो जाके गार्ड को बुला के लाया गया, और तब उसने आके वो लिफ्ट खोला। 20 मिनट में बच्चे रह होके इतने होपलेस हो गए कि मेरे को हॉस्पिटल में उसको 2 घंटा एडमिट करना पड़ा, और मेरा अकेला बच्चा नहीं, 3 बच्चे भी थे साथ। तो ये मामला तो ये मामला तो सोसाइटी का है ना, बीडा से आप बीडा क्यों? सोसाइटी वाले हम ये धमकी देते हैं, ये कहते हैं हमारा तो गार्ड वही है, तो गार्ड ज्यादा कुछ नहीं करते, और वो पुलिस आई है वो सब भी कुछ नहीं करते। नहीं मैं अपनी, मेरी 1.5 साल की बेटी है जिसको लेके मैं भी लिफ्ट में फंसी हुआ थी, ये आए दिन रोज वहाँ कभी कोई फंस रहा है, कभी कोई फंस रहा है। मैंने भी मेरी गाड़ी में स्क्रैचेस पड़े थे जिसमें 26,500 का नुकसान है, जिसका बिल मैं उन्हें दिखा चुकी हूँ, जिसको उन्होंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद में हमने पुलिस बुलाई है, पुलिस ने आके हमारे सामने उनसे हाथ मिलाया है, और कैसे अगर एक चीज की धमकी और दे रहे हैं मेंटेनेंस वाले, जो तुम्हें करना है वो कर लो, हम तो ऐसा ही जाएंगे। बुलाना बुला लो और बीड़ा जाओ और फिर कहीं बिगाड़ सकती। तो अभी आप बीडा ऑफिस आई हैं, आप क्या समाधान चाहती हैं? आए लेकिन मैडम बाहर नहीं आ रही, हम क्या करें? अभी तक वहाँ से कोई नहीं आया, अब क्या किया जाए? अभी भी मैं अपनी 1.5 साल की बच्ची को छोड़ के आई हूँ घर पर, अब जहाँ अभी तक यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है। बीडा ऑफिस को अगर आप आए हैं ना, ये बताओ ना कि बीडा ऑफिस वहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, आए दिन हमारे कोई बच्चा फंस रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये इनसे मेंटेनेंस का छुटकारा चाहिए। अलवर शहर के केडलगंज मार्केट में अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार पर लाठी डंडों से हमला कर गले में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने दुकानदार पर चाकू से हमला किया जिससे दुकानदार की उंगली कट गई। इस दौरान दोनों दुकानदार भाई हमलावर बदमाशों से संघर्ष करते रहे, चीखने पर पड़ोसी दुकानदार आ गए तो बदमाश वहां से फरार हो गए, लेकिन इस दौरान एक बदमाश को दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित दुकानदार रूपी ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे मुंह पर कपड़ा लगाए करीब 6 बदमाश दुकान में घुसे और मेरे व मेरे छोटे भाई के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। उनमें से एक युवक ने चाकू निकालकर हम दोनों पर हमला कर दिया जिसमें मेरे भाई की उंगली कट गई। हल्ला होने पर पड़ोसी दुकानदार आ गए जिन्हें देखकर सभी बदमाश वहां से भाग निकले। उनमें से एक बदमाश को वहां मौजूद दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। एक घटना करीब 7:30 से 8 बजे के बीच की है। मैं और मेरा भाई दोनों उंगली साफ कर रहे थे। 5-7 लड़के आए थे मुँह पर वो नकाब बांध के, उनने मेरे साथ मारा। मैंने पहले तो उनका बाहर आ जा, मैंने कि क्या काम है बोला, उनने कोई बात बात नहीं करी। उनने आते ही हाथापाई स्टार्ट कर दी थी, जिसके हाथ में डंडे भी थे और सरिये भी थे, और एक लड़के के हाथ में चक्कू भी था जो मेरे भाई के लगी थी उंगली में, उसकी उंगली में कटिंग भी हुई है। मेरे तो इस पूरे शरीर में लगी पड़ी, उनने डंडे ही डंडे मारे थे, घसीट लिया था उन 5-7 लड़कों ने, जिसमें से एक लड़का पकड़ा गया है, और वो हमने पुलिस वाले को तुरंत सूचना दी, और जब कर रहे थे हम कैश वगैरह तो वो कैश बिन ने थोड़ा वैसे कर दी और तोड़ फोड़ भी कर दी, तो मेरे भाई की उंगली में भी लग गई थी। विकसित राजस्थान के अपेक्षित परिप्रेक्ष्य में महिला अधिकारिता विभाग थानागाजी पर्यवेक्षक अशोक कुमार गुजर के निर्देशन में ब्लॉक थानागाजी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। वह हितधारकों से फीडबैक फॉर्म भरवाए गए।
अलवर शहर की कबीर कॉलोनी में पेयजल समस्या को लेकर कॉलोनी निवासी अधीक्षण अभियंता ऑफिस पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को उनके कॉलोनी में हुई बोरिंग की मोटर खराब की समस्या से अवगत कराया। अधिकारियों ने कबीर कॉलोनी के निवासियों को आश्वासन दिया कि उनकी बोरिंग की खराब मोटर को 2-3 दिन में बदलवा दिया जाएगा। शहर की कबीर कॉलोनी निवासी ने बताया कि उनके एरिया में स्थित बोरिंग में लगी बड़ी मोटर को बदलकर छोटी मोटर को लगा दिया गया है, जिससे बोरिंग से पानी नहीं आ पा रहा। छोटी मोटर को हटाकर बड़ी मोटर को लगाने की मांग की है, जिसमें सभी निवासियों की पानी की समस्या से निजात मिलेगा। साथ ही उसमें एक वाल लगाया जाए जिससे प्रेशर से पानी आए। साथ ही इस एरिया में एक पुरानी बोरिंग भी है, उसे भी चालू किया जाए जिससे कबीर कॉलोनी में हो रही पानी की समस्या से निजात मिल सके। फिलहाल जलदाय विभाग द्वारा कबीर कॉलोनी में टैंकर को भेजकर पानी की आपूर्ति करवाई जा रही है। हालांकि लोग प्राइवेट टैंकरों से पानी भरकर अपनी इस समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। कबीर कॉलोनी में बड़ी मोटर थी बोरिंग में, वो छोटी मोटर लगा दी तो उसके क्या है, पानी नहीं उठ रहा नीचे से, इसलिए उसमें कहने के सब बड़ी मोटर डाल दो, हमको पानी मिल जाएगा, और एक उसमें वाल लगा दो ताकि क्या है प्रेशर से पानी मिलेगा। अब दो तरफ पानी चल रहा है तो एक तरफ चलेगा और एक तरफ बंद हो जाएगा, फिर इधर को खुल जाएगा इधर को बंद हो जाएगा, तो प्रेशर से पानी मिलेगा तो सबको मिल जाएगा पानी। अब दो तरफा में तो अब टूटेगा पानी, एक तरफा में तो प्रेशर लग जाएगा, और एक बोरिंग हमारे पुरानी है उसमें भी सूख गई, तो उसमें क्या है बोगी लगवा के उसको भी सही करवा दो, तो उसमें बोगी लग जाएगी तो नीचे गहरी हो जाएगी और पानी मिल जाएगा। ये है अधिकारी से मिले हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, अधिकारी सारे अच्छे हैं, हमारे संजय जी जो रखते हैं बढ़िया एक्शन साहब है, और जो हर समस्या को हर तुरंत हल करते हैं। 2-3 दिन के अंदर आपका बोरिंग नहीं मोटर बदल जाएगी और पानी मिल जाएगा बढ़िया। अभी पूर्ति तो टैंकरों से हो रही है, जहाँ जहाँ पानी पहले से नहीं आ रहा वहाँ, और यहाँ की व्यवस्था वो कर रहे हैं। यह है समस्या सर, और कुछ नहीं है। कौन सा भाई? 22 नंबर। क्या समस्या? पानी नहीं है, मतलब उसमें बोरिंग में सूख गई, बोरिंग जब बोरिंग सूख गई तो हमने कहा मोटर निकला दो भाई, और एक तो समस्या ये है, और इधर को हल्की मोटर डल रही है उसमें भारी डलवा दो बस इनकी। कितने टाइम से पानी की समस्या? अभी हुई हमारे तो 2-1 महीना से, और इनके इनके ज्यादा बता दू तुम्हारा तुम्हारी क्या समस्या है? क्या बोलते हैं अधिकारी से आप मिले? अधिकारी नौकर है, दूसरी मोटर ले जाओ, सही करने के लिए दूसरी हो रही है और डलवा दे रहे दूसरी मोटर। अभी पानी कैसे पानी? टैंकर डलवा रहे सर जी, और ये फिर कुछ टैंकर मोहल्ला में तो ये भेज रहा है, मतलब ये वाटर वर्क्स वाले भेज रहे हैं, पार्षद आगे भेजे हुए यार, और फिर कुछ है क्या ये न्याय ना हो जब टैंकर डलवा लेते हैं। मशीन के लिए क्या इलाज है? खैदी उन्होंने लिखवा देंगे, आज बोरिंग लिखवा देंगे। लुहार वाला कुआ पे 22 नंबर वार्ड कबीर कॉलोनी। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण। चोरों ने बुधवार देर रात शहर के मुख्य मार्केट बजाजा बाजार में 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए, लेकिन जाग होने पर चोरी की वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। इस दौरान चोरों ने दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को मोड़ दिए। घटना की जानकारी देते हुए कपड़ा व्यापारी राकेश बंसल ने बताया, उनकी शहर के सबसे पुराने व व्यस्त सराफा बाजार में कपड़े की दुकान है। रात्रि करीब 3 बजे चोरों ने उनकी व उनके पड़ोसी के दुकानों के ताले तोड़ दिए। सुबह दुकान के ताले टूटने की सूचना मिली, मौके पर पहुंचे तो मालूम चला जाग होने पर चोरों का प्रयास असफल रहा, लेकिन चोरों ने बाहर लगे कैमरे मोड़ दिए। राकेश ने बताया, बाजार में कैमरे लंबे समय से खराब हैं। व्यापारियों ने पुलिस की गश्त पर भी सवालिया निशान उठाया है। उन्होंने कहा, पूरी बाजार सराफा मार्केट है, ऐसे में यहाँ एक गार्ड की नियुक्ति की जाए। मेरा नाम राकेश बंसल है, हर्षित टेक्सटाइल अलवर, कपड़े की दुकान है मेरी बाजार में, मेन बाजार के अंदर। रात को 3 बजे मेरी दुकान के ताले टूटे हैं। मेरे पास पड़ोसी का फोन आया, यहाँ पे आपके दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मैं रात को जब घर से आया तो यहाँ पे सारी पुलिस वाले, सब कम से कम 15-20 पुलिस वाले थे। इन्होंने मतलब कि तालों की कुंडियां तोड़ी है, मतलब कि कोई भारी हथियार से, और मेरे पल्ले को खींच के इन्होंने बाहर किया है, लेकिन मेरा अंदर का सामान सेफ रह गया। या तो कोई यहाँ से आता जाता गया हुआ है, इस वजह से उनको थोड़ा सा ही हो गया, डर हो गया, वो भग गए। और ऐसे हमारे सामने दुकान के सामने वहां पे भी ताले टूटे हैं, और बगल के जो पड़ोसी है उनके जो कैमरे हैं उन्होंने उसको भी खराब किया है, नीचे किया है। मेरी प्रशासन से अपील है कि आप इस ओर ध्यान दें, मुख्य बाजार के अंदर जो इस तरह की घटनाएं हो रही है ये बहुत गलत है, निंदनीय है ना। बाजार के अंदर सभी मतलब कि चाहते हैं कि सुरक्षा हो, यहाँ पे एक गार्ड की व्यवस्था हो। बाजार के अंदर जो प्रशासन द्वारा हाई रेजोल्यूशन कैमरा मेरी दुकान के बिल्कुल जस्ट बगल में लग रहा है, वो भी बिल्कुल खराब है, उसको भी सही कराया जाए और प्रशासन इस ओर ध्यान दे। मेरा यही नहीं, मेरी कपड़े की दुकान है, पहले भी कई बार है, दूसरी दुकानों के भी ताले टूटे, पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। प्रशासन
इस ओर ध्यान दें, व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। इस तरह की घटनाएं जो हो रही है वो बहुत गलत हो रही है, बाजार में इस ओर ध्यान देना चाहिए। विप्रो फाउंडेशन ने डॉक्टर हेतल शैलेश भयानी को लंपी बीमारी की दवा का फॉर्मूला तैयार करने पर परशुराम महोत्सव में सनातन श्री के विशेष सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही विप्रो फाउंडेशन सूरत द्वारा देश भर में निःशुल्क दवा वितरण हेतु उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान के अवसर पर सूरत के संस्कारवान संगठित और वृहद परिवार को एक साथ समर्पित भाव से मंच पर देख लोग भावुक उठे। संपूर्ण देश में इस सम्मान की खास चर्चा रही। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th एंड टारगेट बैच, न्यू बैच स्टार्ट। IIT, NEET, CA 6th to 12th क्लास फाउंडेशन ह्यूमैनिटीज विद IAS क्लैट प्रोग्राम, स्कॉलरशिप अप टू 90%। CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS, JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्किल, अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर के रेला गांव में बीती देर रात्रि सरकारी स्कूल के पास रखे कंडे व उपलों में अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। वहीं फायर ब्रिगेड की 2 दमकलों व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खेड़ली से 2 फायर ब्रिगेड की दमकल को बुलाकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कठुमर के समीप गांव रेला में सरकारी स्कूल के पास रखे कंडे व उपलों में बीती रात्रि करीब 9:30 बजे अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और खेड़ली से फायर ब्रिगेड 2 दमकल को बुलाकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के सामने स्थित मां दुर्गा के मंदिर पर 56 भोग की झांकी सजाने के साथ आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी बलराम दास महाराज चीतोष और श्रद्धालु ओम प्रकाश लोहिया ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से सजाने के साथ माता का श्रृंगार कर महाआरती का आयोजन किया गया। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती ऐतिहासिक गांव ततारपुर में प्रमुख आस्था के केंद्र ढकवासन माता का मेला बुधवार को बड़ी धूमधाम से भरा। मेले में दिल्ली, हरियाणा, दमन सहित अन्य राज्यों के 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में माथा टेक मन्नतें मांगी। मंदिर के पुजारी भगवान राम ने भगत ने बताया कि मेले में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का आने का दौर शुरू हो गया। मेले में महिलाओं व पुरुषों ने जमकर खरीदारी की तो वहीं बच्चों ने झूलों का जमकर लुफ्त उठाया। मेले की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह ततारपुर पुलिस तैनात रही। गर्मी के मौसम को देखते हुए मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भामाशाह द्वारा जगह जगह मीठे पानी की स्टॉल लगाई। मेले में ततारपुर गांव के राकेश सेठ व अन्य भामाशाहों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। सायंकाल विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। कुश्ती दंगल में स्थानीय एवं दूर दराज के क्षेत्रों से पधारे पहलवानों ने दमखम आजमाने का भाग लिया। वहीं 51,000 रुपए का अंतिम कुश्ती कामड़ा भारत केसरी संजय जयलाफ व रजत के बीच हुआ, जो बराबरी पर छूटा। CBSE बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसमें UCSKM पब्लिक स्कूल भिवाड़ी की कक्षा 10वीं की छात्रा नीलाक्षी ने 96.8%, आयुष यादव ने 95.2%, निया संभरवाल ने 95%, ईशिका इतिश्री ने 94.8%, दीपांजलि ने 94.2%, अभिषेक यादव ने 92.2%, कशिश यादव ने 92%, निखिल पांडे ने 91.8%, पलक ने 91.6%, हर्षिल फौजी ने 91.6%, तिशा शर्मा ने 91.2%, पावनरीत कौर ने 90.8%, दिव्यांशी राय ने 90.8% अंक प्राप्त किए। वहीं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों में कॉमर्स की छात्रा जिया वर्मा ने 95.4% एवं निधि जांगड़ा ने 93.4
प्रतिशत अंक प्राप्त किए। वे पीसीएम की छात्रा गौरिका सिंघल ने 93.4% एवं कृतिका शर्मा 90.8% अंक प्राप्त किए। कॉमर्स के अन्य छात्र छात्राओं में रिधिका पाही ने 93%, रितिका ने 92.4%, मोनिता शर्मा 92.2%, निखिल विष्ट ने 92%, सौम्या ने 90.8% अंक प्राप्त किए। वहीं पीसीबी में मयंक मनराल ने 91.8%, अन्विता चौधरी ने 90.8% अंक से सफलता प्राप्त की। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि परीक्षा के अंतिम समय में किया गया कठिन परिश्रम भी हमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं करा पाता जितना सामान्य किंतु निरंतर किया गया परिश्रम सफलता प्राप्त कराता है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बिल्डिंग को शिफ्ट कराया जाए दूसरी जगह पर, वैकल्पिक व्यवस्था करवाकर नई जगह पर तहसील को संचालित किया जाए। मुंडावर थाना अंतर्गत गांव पहल में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव पहल के भैरव बाबा मंदिर के पास एक व्यक्ति की लाश मिली है। व्यक्ति की लाश के पास ही पॉइजन की सीसी व बियर की बोतल मिली है। सूचना पर मौके पर पहुंची मुंडावर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव को मुंडावर सीएचसी के मोर्चरी में कक्ष में रखवा दिया है। थानाधिकारी राजीव क्रय विक्रय सहकारी समिति शाखा कठुमर का शिकायत पर तहसीलदार आर के यादव ने औचक निरीक्षण किया और किसानों को समस्याओं से निजात दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान 600 किसानों में से 338 किसानों की सरसों की तुलाई की गई। क्रय विक्रय सहकारी समिति कठुमर में स्टॉक की जगह की कमी पर तहसीलदार ने नाराजगी जताई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली सहित किसानों के माल के ट्रकों के शाखा के बाहर खड़े होने से नगर कठुमर रोड पर जाम से निजात दिलाने के निर्देश दिए। तहसीलदार आर के यादव ने बताया कि उपखंड अधिकारी सुखाराम पिडेल के निर्देश पर कठुमर क्रय विक्रय शाखा समिति का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान तहसीलदार ने शाखा इंचार्ज बसंत शर्मा से स्टॉक संबंधी रजिस्ट्रेशन और लेबर की जानकारी ली और तहसीलदार ने फोन पर ठेकेदार को 20 लेवल लगाने में खेड़ली क्रय विक्रय समिति को कठुमर शाखा के स्टॉक की 2500 बोरी अपने स्टॉक में लेने के लिए निर्देशित किया। वहीं तहसीलदार ने सुबह से शाम तक जब तक किसान आए तब तक माल जमा करने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंचल कुमार शर्मा के सानिध्य व जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर अलवर द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारियों की अति आवश्यक बैठक में भाग लेने के कारण नवीन शर्मा ओएस जिला कलेक्टर अलवर को शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम 6 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने सरकार से मांग की कि राज्य में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 को जुलाई 2024 से लागू करें, शिक्षा विभाग में एनजीओ के अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक लगाएं, शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों की पदोन्नति करें, न्यायालय में लंबित प्रकरणों को निर्णय अधीन मानते हुए पदोन्नति जारी करें। कोरोना काल में सरकारी माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हुई है, अतः स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाएं, अधिशेष शिक्षकों के वेतन व्यवस्था सुचारू रूप से कर उनके पदों का समायोजन किया जाए, संस्कृत शिक्षा के प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नत कर नियमित भर्ती प्रक्रिया की जाए। ज्ञापन देने से पूर्व संगठन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के समर्थन में जिला कलेक्टर अलवर कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर चंचल कुमार शर्मा, राजेंद्र तिवारी, देवेंद्र शर्मा, जगरूप सिंह, योगेश यादव, प्रदीप मीणा, शेर सिंह मीणा, मनमोहन शर्मा, मदन मोहन शर्मा, सुनील कुमार छिपी आदि उपस्थित रहे।
अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड के इंदौक क्षेत्र में स्थित लोक देवता बाबा भर्तरी के धाम पर वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार को भरा भर के मेले में श्रद्धा का सैलाब दिखाई दिया। सुबह विधिवत रूप से नाथ संप्रदाय के सेवकों ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। बुधवार सुबह से ही बाबा भर्तरी के धाम पर श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया। जानकारी अनुसार बाबा भर्तरी का साल में दो बार मेला लगता है। पहले मेला भाद्रपद अष्टमी को लगता था, वहीं दूसरा मेला वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी को लगता है। श्रद्धालुओं को इस भीषण गर्मी में राहत दिलाने के लिए विभिन्न जनसेवी संस्थाओं की ओर से ठंडे मीठे शरबत व ठंडाई की प्याऊ लगाई गई। नगर परिषद भिवाड़ी के वार्ड नंबर 6 में नाली एवं सड़क सफाई नहीं होने से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। नगर परिषद भिवाड़ी में कई बार शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सड़क पर पानी भराव और गंदगी की वजह से लोगों को सड़क से निकलने में दिक्कत हो रही है। वार्ड निवासी राज यादव ने बताया, नगर परिषद भिवाड़ी में कई बार शिकायत दर्ज करवाने पर भी सफाई नहीं हो रही है, जिससे सड़क पर से निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है। नगर परिषद अधिकारियों को शिकायत देने पर भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर हरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार आज उप कारागृह बहरोड एवं उप कारागृह किशनगढ़बास का औचक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भारत भूषण शर्मा के द्वारा उप कारागृह बहरोड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 52 विचाराधीन बंदी निरुद्ध पाए गए, जबकि उप कारागृह की वर्तमान क्षमता 50 बंदीजन है। साथ ही उप कारागृह के रसोई घर की व्यवस्था का जायजा लिए जाने पर पाया गया कि रसोई घर एक छोटे बंद कक्ष में संचालित है, जिसमें रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गई और न ही रसोई घर में खाद्य सामग्री आदि को रखने की उचित व्यवस्था पाई गई। इसके अतिरिक्त रसोई घर में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी का जमाव पाया गया, जिस हेतु सचिव महोदय द्वारा मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही उप कारागृह बहरोड में कुल 4 शौचालय पाए गए, जिनमें साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई। साथ ही उप कारागृह बहरोड में महिला बंदियों के लिए अलग से पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिन्हें केंद्रीय कारागृह अलवर भिजवाया जाना बताया गया। उप कारागृह की उक्त समस्त अव्यवस्थाओं के पाए जाने पर सचिव द्वारा मौके पर ही उप कारापाल को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसके पश्चात सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर द्वारा उप कारागृह किशनगढ़वास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप कारागृह में क्षमता से अधिक 155 विचाराधीन बंदीजन निरुद्ध पाए, जबकि उप कारागृह में वर्तमान क्षमता 127 बंदीजन की है। निरीक्षण के दौरान उप कारागृह में 12 शौचालय पाए गए, जिनमें साफ सफाई एवं पानी की व्यवस्था नहीं पाई गई। समस्त अव्यवस्थाओं के पाए जाने पर सचिव द्वारा मौके पर ही उप कारापाल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उप कारागृह भवन के रसोईघर शौचालय एवं बैरकों में निर्माण की आवश्यकता बताई गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बहुप्रतीक्षित कार एक्सयूवी 3XO JS फोर व्हील मोटर्स में गोजित एक समारोह में लॉन्च की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष निकुंज सांघी ने की। उन्होंने बताया कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नए मानक स्थापित करते हुए एक्सयूवी 3XO असाधारण डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर्स, आरामदायक सवारी, अत्याधुनिक तकनीक, रोमांचक प्रदर्शन और बेजोड़ सुरक्षा का संयोजन है। एक्सयूवी 3XO नवीनता एवं उत्कृष्टता के प्रति महिंद्रा की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। बीपी सेल्स मनोज गुप्ता ने बताया कि एक्सयूवी 3XO एक एसयूवी युग की नई परिभाषा है और इसे वह शब्द देने के लिए तैयार किया गया है जो एक विशिष्ट एसयूवी कस्टमर को चाहिए। यह सुरक्षा, आराम और परफॉर्मेंस का मेल है एवं हर वेरिएंट को विभिन्न ग्राहकों की जरूरत के अनुसार तैयार किया गया है एवं प्रत्येक वेरिएंट अपने अपने सेगमेंट में क्रांतिकारी है। यह गाड़ी 8 आकर्षक रंगों एवं 9 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। एसयूवी की कीमत 7.49 लाख से शुरू होकर 15.49 लाख है। इस मौके पर कंपनी के निदेशक ऋषभ सांघी ने आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। तो आज हमने लॉन्च किया है एक्सयूवी 3XO। तो ये एक तरह से मिनी एक्सयूवी 700 है। 700 के लॉन्च में हमने रियलाइज किया कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो 700 जैसी गाड़ी चाहते हैं, वो सारे फीचर्स चाहते हैं, बट 700 उनके बजट में फिट नहीं। तो महिंद्रा ने पिछले 1.5 साल तक इस गाड़ी के ऊपर काम किया है
और कोशिश ये की कि सारे फीचर्स जो 700 हैं वो उससे भी कुछ ज्यादा फीचर्स इस गाड़ी में दिए जाएं, और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने करी कि सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा। तो अगर आप इस गाड़ी के को देखेंगे तो जहां तक कस्टमर के डिजायर्स हैं, शौक हैं, वो सब तो उन्होंने पूरे करे ही करे, बट सेफ्टी का इतना ज्यादा ध्यान रखा है दैट टुडे सेफ्टी में दिस विल बी डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास। और जितने फीचर्स हैं, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम है, चाहे वो ब्रेकिंग सिस्टम है, चाहे वो कैमरा सिस्टम है, सब कुछ बेस्ट इन क्लास है। तो कॉम्पैक्ट एसयूवीज के किसी भी ब्रांड से आप कंपेयर कर लें, अगर उनका फीचर एक्स है तो ये एक्स प्लस है। तो आई थिंक पूरा जो XUX3XO का कंसेप्ट है वो समथिंग प्लस कस्टमर को देना है, एंड एट अ प्राइस पॉइंट विच इज एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर। मैं नहीं सोच सकता था कि एक्सयूवी जैसी गाड़ी 749 में आ सकती है, पेट्रोल की गाड़ी, और उसमें भी उन्होंने सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो सेफ्टी टॉप एंड में है वो 749 वाली गाड़ी में भी उन्होंने दी है। आई एम श्योर कस्टमर्स विल लाइक इट। पेट्रोल और डीजल दोनों है, और उसमें जो उन्होंने वेरिएंटिंग की है वो वेरिएंटिंग करीब 13 वेरिएंट्स हैं गाड़ियों के, एंड अबाउट 7 कलर्स। तो आई थिंक हर कस्टमर के बजट में, हर कस्टमर के डिजायर में सब जगह टोटली फिट होती है। कस्टमर कितना अफोर्ड कर पाएगा? भाई अब अगर एंट्री लेवल सेगमेंट को देखें तो 749 की गाड़ी है जो मेरे ख्याल से कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता इस प्राइस से, कंपटीशन का कोई भी प्रोडक्ट नहीं कंपेयर कर सकता। सीएनजी वेरिएंट में भी है? सीएनजी वेरिएंट में नहीं है अभी, सिर्फ पेट्रोल और डीजल। तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजौर के निर्देशानुसार कलिसान गांव में मनरेगा स्थल पर उपस्थित लोगों को पैरा लीगल वॉलंटियर सुवेंद्र कुमार सैनी के द्वारा एक्शन प्लान के अनुपालना में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर श्रमिकों को कानूनी सेवाओं संबंधी योजना के बारे में विधिक जानकारी प्रदान की गई। नगर निगम अलवर ने अलवर न्यूज की खबर को संज्ञान में लेते हुए शहर के प्रमुख नालों नालियों की सफाई शुरू करवा दी है। दरअसल अलवर न्यूज ने अलवर शहर में बढ़ती गंदगी के अंबार और गंदगी से लबालब भरे नालों नालियों की वर्षा पूर्व सफाई की आवश्यकता को प्रमुखता से प्रकाशित कर नगर निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया था। नगर निगम ने अलवर न्यूज की जनहित की खबर पर संज्ञान लेकर नालों नालियों की सफाई शुरू करवा दी है। नगर निगम ने आज शहर के प्रमुख नालों के पटाव को आवश्यकता अनुसार जेसीबी हटवाकर सफाई कर्मचारियों से करवाई, जिससे बरसात का पानी नालों में नहीं रुके और नालों का गंदा पानी सड़कों पर नहीं बहे। बहरहाल नगर निगम ने नालों की सफाई करवाना शुरू कर दिया है, लेकिन नालों की सफाई किस स्तर पर है यह बरसात होने पर ही कंफर्म हो पाएगी। तिजारा बाईपास पर भाजपा नेता देशपाल यादव के नेतृत्व में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत एवं फील्ड मार्शल KM करियप्पा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राहगीरों को ठंडाई पिलाई गई। इस अवसर पर देशपाल यादव ने बताया कि भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबवाने वाले भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ एवं फील्ड मार्शल KM करियप्पा की वीरता, शौर्य और साहस की कहानियां आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। आप सदैव सच्चे राष्ट्र सेवकों के लिए ही नायक रहेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को पुण्यतिथि पर नमन करते हुए कहा, शेखावत सादगी, विनम्रता, नैतिकता के पर्याय एवं राष्ट्र सेवा व जन सेवा के लिए समर्पित यशस्वी जीवन सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। इस अवसर पर भाजपा के OBC मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह गुर्जर, नरेंद्र पटेल, विवेक शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत की प्रथम कार्यकारिणी का आयोजन गोपीनाथ अस्पताल में किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी ने शब्दों द्वारा सभी का स्वागत किया। उसके बाद अध्यक्ष द्वारा सभी प्रकल्प प्रभारियों के दायित्वों की घोषणा की गई। मई और जून मास में होने वाले प्रकल्पों जैसे पंछियों के लिए परिंडे बांधना, बाल संस्कार शिविर, महिलाओं एवं बालकों के लिए अभिरुचि शिविर, महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित गोष्ठी एवं योग दिवस के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नीरज अग्रवाल रहे।
परिषद सचिव सुनीता यादव के द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर परिषद संरक्षक हरिराम शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री वित्त सीए राकेश गुप्ता, सह सचिव सुषमा यादव, कोषाध्यक्ष रूपेश सर्राफ, महिला संयोजिका प्रियंका सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर नवनीता शर्मा, मनोज जैन, शैलेंद्र सेंगर, पंकज अग्रवाल, निरंजन खंडेलवाल, नीरज झिल्ली, अमित नाहटा, सुनीता सोनी, नितिन रस्तोगी, सुनील गर्ग, मनोज सोनी, मंगल अग्रवाल, डॉक्टर मुकेश गोयल, आरसी गुप्ता, रोहित गुप्ता, खेम गुप्ता, नवीन गुप्ता, हिमांशु सिंगल, डॉक्टर सीपी भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। और खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।